और इतना महंगा क्यों बिकता है? ये जो तो हैंडलूम है, okay. ये हैंडलूम पे तो कपड़ा बनता, ये थोड़ा पैर सकते ना, थोड़ा रुकना पड़ता था इसके, इसको बोलते ढोटा। ये कम से कम 5 महीने लगता, 5 महीने। 5 महीने। स्वागतम सुस्वागतम, कैसे हो मालिक, सब कुछ कुशल मंगल? तो जी आज मैं आया हूँ छत्रपति संभाजी महाराज जी के नगर में, और जो हमारी फेमस साड़ी होती है पैठनी साड़ी, तो उसको बनते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं कि उसको इतना मजबूत, इतना टिकाऊ और इतना महंगा क्यों बिकता है। तो चलिए आज मैं आया हूँ औरंगाबाद कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि पीछे आप देख सकते हो वो है उनकी इंडस्ट्री, और ये है जो हैंडलूम का, जो साड़ी का जो बिजनेस है या फिर कह सकते हो दुकान है, वो यहाँ पर वो सेल करते हैं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं किस टाइप की यहाँ पर हमको पैठनी मिलती है। इंडस्ट्री के बाजू में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि पैठनी साड़ी कैसे बनती है, जो कि रॉ मटेरियल जितना भी होता है वो अभी हमको अंकल समझाएंगे। अभी जस्ट अंकल अंदर गए हैं, तो चलिए अंकल को मैं माइक दे देता हूँ ताकि वो हमको एक्सप्लेन करे अच्छे से। तो ये रही यहाँ की फैक्ट्री। ये जो तो हैंडलूम है, okay. ये हैंडलूम पे तो कपड़ा बनता, ये ऊपर जकाट है। अभी जकाट में से जाला जो तो नीचे आया हुआ है, इसको जो तो ये उठाता, मतलब मैं नीचे से जमीन से पैर पे ये पैनल जब मारूंगा ना, ये वाला पैनल, तो ये पैनल जो ना इसको उठाएंगा, ये जो मतलब उसको जाके कनेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा अब मैं मारूंगा ना, आप देखिए, मामू जरा एक मिनट मारो, ये थोड़ा पैनल कर लूंगा, ये होता इसमें जो धागा आया है ना, ये जो तो सुई है, ये सुई है इतनी बड़ी, एक हिसाब से सुई पकड़ेंगे ना अपन इसको, बाप रे ये सुई है। अभी ये अपने तागा पुरा दिए। अच्छा। अब ये तागा, एक मिनट आपका हाथ सरकाइए, इधर से मारिए ऐसा, इधर से ये इधर आके चिटक गया, करेक्ट। अब ये सेट हो गया, दूसरा पैनल मारने के बाद में सेट हो गया। अब ये तागा इधर गया, अच्छा सुई का, सुई चिटका, इधर आके सेट हो गया, ओके। अब ये पैनल के ऊपर डिजाइनिंग भी चेंज हो रहा, ये बीच का जो डिजाइन है ना, ये सुराख का है ना, अच्छा ये पूरा डिजाइन है, ये आप फुल देख रहे हैं। आप थोड़ा उनको थोड़ा, हाँ फास्ट चला के बताता हमको थोड़ा। अभी ये ऊपर का जो रूल है ना, ये जकाट के ऊपर उधर से ये पत्ते जो है ना, ये पत्ते डिजाइन के पत्ते है, ओके। अब मैं जैसे पैनल मारूंगा ना, तो रूल इधर जाके ये पत्ता इसको मारेगा और उतना ही डिजाइन उठाएगा जितना अपने को लग रहा। अब आप जो तो ऊपर भी थोड़ा मारिए, मैं फास्ट चलाता थोड़ा, ठीक है। सलीम को रूल बताऊं, कैसे पहले पैर से कैसे मारते हैं? देखो ये अभी जो ना, तो लूम बंद करने का स्टाइल ये है कि मतलब लेफ्ट वाला जो पैनल है, हाँ। ये नीचे रख के बंद करना पड़ता, अभी रोका हुआ है ना, हाँ। अब मैं चालू करूंगा ना, राइट वाला पैनल मारूंगा। अच्छा, ये मैं चालू किया, ये सुई इधर फेंका, सुई इधर फेंके, ये सेट हुआ, सेट हो गया, ये एकदम सेट हो गया। अच्छा, हाँ, थोड़ा पैर सकते ना, थोड़ा रुकना पड़ता था इसलिए मेरा भरोसा रिवाइवल। सर ये
मार्केट में बहुत सारे पैटनी ना नकली और असली भी, कैसे पता चलेगा? सर नकली में और असली में इसलिए पता चलता है, जो जकार्ड का और जो मशीन का होता है पीछे है तो तागा छोड़ती है, पीछे तागा छोड़ती है, जो साड़ी के पीछे जो पल्ले के ऊपर होता है वो तागा होता है जो मशीन से बनता है। अच्छा अच्छा, यानी उसमें पूरा तागा दिखता है पीछे, पीछे दिखता है। और जो हैंडलूम का होता है उसमें तागा नहीं दिखता है पीछे, प्लेन रहता है, पूरा प्लेन रहता है, पूरा प्लेन रहता है, क्योंकि ये हैंडलूम से बनता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मशीन से जो तो पीछे तागा छोड़ती है, पीछे तागा छोड़ती है। जो मशीन का जो कपड़ा रहेगा वो फ्रेश आएंगे, एकदम फ्रेश आएगा। हाँ, क्योंकि वो मशीन का है ना। अभी हाथ का काम है तो हाथ के काम में थोड़ा बहुत वधर उधर ये वो थोड़ा बहुत छुट्टा है, थोड़ा सा वो निकलता है। ये कैसा है? ये ऐसा थोड़ा आएगा, ये वाला, ये पावर लूम में नहीं आता। अच्छा, ये हैंडलूम में आता, हैंडलूम में आता, ऐसा आता, थोड़ा ऐसा आता, मगर ये तो मजबूती जो रहती बीच की, ये पक्की रहती, वो पक्की रहती, क्योंकि ठोक के बनता ना, और एकदम कड़क लगता है। हाँ, इसके इसको बोलते धोटा, धोटा धोटा धोटा, ये धोटा है, ये कांडी बोलते, कांडी। ओके, ये जब खत्म हो जाता है चल चल के कांडी का बताओ, तो इसको ऐसा उठाना पड़ता। अच्छा, उसको निकाल ले, ये निकल ले, ओके, खत्म होने के बाद में, और बाद में फिर अपने को नई डालने की रही, इस तरीके से डाले। ये हिमरू को नाम पे दिखता है, हिमरू साड़ी, हिमरू शॉल, ये हिमरू डिजाइन होता है, ये कैरी वगैरह का डिजाइन रहता है, फूल पत्ती का उस पे चलता है, ये हैंडलूम में पावर लूम, पावर लूम। अच्छा, जो बोलते हैं ना उनका बाकी जो फेमस है। हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हादी। अब्दुल हादी सर, आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे? इसका 40 साल। 40 साल का, ओके, तो समझाइए सर हमको। हाँ, पैटनी साड़ी कैसा? तो ये पैटनी साड़ी का ये धागा है, देखिए ये है चांदी का, इसके अंदर चांदी मिसा था। अच्छा, इसको बोलते दर। ओके, तो ये बॉर्डर में चलता और ये भीम के अंदर चलता, 600 नंबर बाल्टी भी अपने बारी का, ये देखो है करेक्ट, उसमें से लेके फिर ये इसमें भरा जाता है, ये एक एक सुराख में एक एक धागा भरा जाता है। अभी चार है, एक दो तीन, अरे चार, चार में ये भर जाता है, भर जाता है, फिर ये बॉर्डर डाले जाता है उसको। अच्छा, इसके अंदर जो ये है धागा, ये पूरा चांदी का, अच्छा, उससे ये बॉर्डर बनता है, ये इधर आओ। अब ये बॉर्डर है देखो साड़ी का, करें बॉर्डर, अभी चालू कर रहे इसको, फिर ऐसा फेंकेंगे, फिर ऐसा, सेम जरा भी, फिर सेम, ऐसा, हाँ, ऐसा, सेम, ऐसा, सेम, ऐसा, सेम, शॉल बना रहा है, ये साड़ी बना रहा है। ओके, आप दोनों ध्यान रखिए, वो जकार्ड है, जकार्ड है वो। और ये हैंड, ये हैंडलूम। ओके ओके, ये सब पूरा हाथ का है इसमें। अच्छा, ये कितने में साड़ी बन जाता है? ये कम से कम 5 महीने लगता है, 5 महीने, 5 महीने एक साड़ी को, एक साड़ी जो प्योर बनती है, अच्छी है। अच्छा, ये पूरा हाथ से बुनना पड़ता ना, एक साड़ी बनती है। अच्छा, बहुत से बहुत एक दिन में इतना कपड़ा बनेगा, इतना इतना मेहनत, ज्यादा इतना मेहनत, तो नीचे पूरा पेपर रहेगा, पेपर को देख के अपने को डिजाइन बनाना पड़ता। अब उसको ऐसा थोड़ा अब दबा दिए, फिर दूसरा फूल बनाना है अपने को, फिर दूसरा धागा डालो, हाथ से करना, हाथ से करना, पूरा हाथ से, अभी हाथ से अपन ने डाल दी, फिर उसको ऐसा ठोकना पड़ता। अच्छा, इसके लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम, तो एक दिन में इतना कपड़ा बनता, मतलब इतना इतना 2 इंच 2.5 या 3 इंच, आखिरी 3 इंच, अगर कारागिर अच्छा रहा, 3 3 बस। पैठनी साड़ी, पैठन बोल के गाँव है, उस नाम से ये पैठनी साड़ी बनता है, ये इधर का स्पेशल होता है, मतलब ये साड़ी, इसको बनने के लिए कम से कम 1 महीना 1.5 महीना ऐसा लगता है, ये पूरा हैंडमेड है। इस पर जैसा पैठनी पे काम रहेगा वैसा रेट इसका बढ़ते जाता है। ये 100% नेचुरल सिल्क है और रियल सिल्वर है, सिल्वर पे गोल्ड पॉलिश है। इधर का 2 साड़ी फेमस होता है औरंगाबाद का, एक पैठनी साड़ी और एक हिमरू साड़ी। अब ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ हिमरू का, ये पूरा प्योर सिल्क वाला साड़ी है, ये देखिए, ये 25,000 24,000 सब अलग अलग रेट में, मतलब ये 30-35,000 तक आता है सब अलग अलग, मतलब ये अगर 1 लाख का अगर बनाना है ना, हाँ, तो ये जो काम है ये चटाई बॉर्डर है, ये रेगुलर बॉर्डर है, मतलब अच्छा। इस पर फिर ब्रोकेट आ जाएगा, मोर बनवाएंगे इधर। अच्छा, हाँ, तो उसमें जैसा काम बढ़ेगा वैसा उसका रेट बढ़ता है। अभी ये हो गया रियल पैटनी, ऐसी सेमी पैटनी भी आता है, मतलब ये काम जो तो वैसे आएगा मगर इसमें जरी रियल नहीं रहता है,
अब जैसा काम ले, मतलब जैसा काम होगा वैसा इसका भी रेट आता है। ये सब पिकॉक बना हुआ, ये भी सब रियल पैठनी टाइप में रहता है। ये जैसा 35-40 हज़ार का जो पैठनी आता है ना, तो इस टाइप का आता है, मतलब काम मतलब उसका। तो ये तुमको हम 5,000-4,000 में दे देते हैं। ये कश्मीरी है ना, पश्मीना? नहीं, ये औरंगाबाद के हिमरू से है। अच्छा अच्छा, जो पश्मीना रहता ना, हाँ हाँ, उसको कॉपी है, उसको कॉपी है। हाँ हाँ, प्योर सिल्क कीड़े वाला। हाँ, ये इतना सा स्टोल जैसे तुमको साड़ी बताया मैंने, 28-30 हज़ार रुपए का ये उसका स्टोल है। ये 3600 की रेंज का है। 3600 का रेंज प्योर सिल्क, बहुत होता है ना उसका कपड़ा देखो। कभी खुशी कभी गम, आपने अभी देख लिया होगा कि पैठनी साड़ी कैसे बनती है हैंडलूम के द्वारा। तो इसलिए ये महंगी होती है, हाथ से बुना जाता है। और वो मराठी का एक डायलॉग बोल रहे थे दादा, जो आप सुनोगे अभी, इंच भर इनायचा अनि पोट भर खायचा। मतलब एक पैठनी, एक विवास जो ब्रोकेट वाली रहती है, वो दिन में से एक इंच मतलब बुनता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, उसका मजदूरी उसका 600-500 रुपए आता है करके बोलते हैं। एक इंच इनायचा मतलब तो सुन लिया, तो इसलिए ये महंगी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारी भारत यात्रा हमें अगले स्पॉट पर लेके जाने वाली है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे पिछले वीडियोस, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं भारत यात्रा के। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।